अभी आपको बताएं, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुसार से स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने मुलाकात की। इस मुलाकात में इत्तेहादी हुकूमत के मामलात पर मुशावरत और बाहमी ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने पर बातचीत हुई। वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली के माबैन मुलाकात में बजट सेशन, मौजूदा सियासी सूरतेहाल और फलाही अमले के प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए इकदाम पर भी बातचीत हुई। चौधरी परवेज इलाही ने रिलीफ बजट पेश करने पर सरदार उस्मान बुज़दार को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बजट सेशन एहसन तरीके से चलाने पर चौधरी परवेज इलाही की काविशों को सराहा। वज़ीर आला और स्पीकर पंजाब असेंबली ने आवाम की खिदमत के लिए मिलकर काम करने की अज़्म का अदा किया और बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि दोनों इत्तेहादी जमातें आइंदा भी साथ रहेंगी, इत्तेहाद मजबूत तर होगा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के साथ हैं और रहेंगे। आवाम की खिदमत के सफर में तहरीक इंसाफ के शाना बशाना खड़े हैं। हम सिर्फ खिदमत खल्क पर यकीन रखते हैं। सूबे के आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।